श्रीकाल मैरीना धीमान से गल करांगे भाई अमृतपाल सिंह दे साथियों लैके जेडे कि असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद ने जिसनूं लैके लगातार सिखां दे विच भारी रोस पाया जा रहा जिस दे चलदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया। उन्हां दा कहना है कि डिब्रूगढ़ की जेल दे विच जेडे सिखां नूं बंद किया गया उन्हां ते अत्याचार किए जा रहे हैं इस नूं किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस दे चलदे श्रोमणी कमेटी दीआं टीमां डिब्रूगढ़ पहुंचणगीआं ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो दस दईए कि इस तों पहलां गुरपतवंत पन्नू के वलों भी एक ऑडियो जारी की गई सी जिस उन्होंने असाम के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई सी। उन्होंने कहना है कि डिब्रूगढ़ की जेल के जेड़े भाई अमृतपाल सिंह के साथियों को बंद किया होया उन्होंने अत्याचार किया जा रहा वो किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द तो जल्द असाम के सीएम उन्होंने सारे साथियों को छड़ देना चाहिए। इस तरीके की एक ऑडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हुई जिस तों बाद हुण श्रोमणी कमेटी भी एक्शन दिखाई दे रहा। उन्होंने कहना है कि डिब्रूगढ़ के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी टीमां नूं भेजा जाएगा अते कानूनी तहत कार्रवाई की जाएगी। सो दस दईए कि लगातार भाई अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार करन अते उसदे साथी नूं गिरफ्तार करन दीआं तैयारियां पूरी चल रही ने जिसके चलते वक्त थावां ते छापेमारी की जा रही है। तलाशी मुहिम भी शुरू कर दिया गया जिथे भी भाई अमृतपाल सिंह की कोई जानकारी हासिल होंगी है पुलिस की टीम उत्थे मौके पर पहुंच जाती है तलाशी मुहिम चलाया जाता है। सो हुण देखना होगा कि आखिर कदों तक भाई अमृतपाल सिंह पुलिस के हाथ लगता उस तो बाद लगातार उन्होंने साथियों की गिरफ्तारियां भी की जा रही जिसन लैके सिखा इसका भारी रोस पाया जा रहा है। श्रीकाल मैरीना धीमान से गल करेंगे भाई अमृतपाल सिंह के साथियों लैके जेडे कि असाम की डिब्रूगढ़ जेल के बंद ने जिसनूं लैके लगातार सिखां दे विच भारी रोस पाया जा रहा जिस दे चलदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया। उन्हां दा कहना है कि डिब्रूगढ़ की जेल दे विच जिहड़े सिखां नूं बंद किया गया उन्हां ते अत्याचार किए जा रहे हैं इस नूं किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस दे चलदे श्रोमणी कमेटी दीआं टीमां डिब्रूगढ़ पहुंचणगीआं ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो दस दईए कि इस तों पहलां गुरपतवंत पन्नू दे वल्लों भी एक ऑडियो जारी की गई सी जिस दे विच उन्होंने असाम के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई सी। उन्हां दा कहना सी कि डिब्रूगढ़ की जेल के जेड़े भाई अमृतपाल सिंह के साथियों को बंद किया होया उन्हां ते अत्याचार किया जा रहा वो किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द तो जल्द असाम के सीएम उन्हां सारे साथियों को छड़ देना चाहिए। इस तरीके की एक ऑडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हुई जिस तों बाद हुण श्रोमणी कमेटी भी एक्शन दे विच दिखाई दे रहा। उन्हां दा कहना है कि डिब्रूगढ़ के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं टीमां नूं भेजा जाएगा अते कानूनी तहत कार्रवाई की जाएगी। सो दस दईए कि लगातार भाई अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार करन अते उसदे साथी नूं गिरफ्तार करन दीआं तैयारियां पूरी चल रही ने जिसके चलते वक्त थावां ते छापेमारी की जा रही है तलाशी मुहिम भी शुरू कर दिया गया जिथे भी भाई अमृतपाल सिंह की कोई जानकारी हासिल होंगी है पुलिस की टीम उत्थे मौके पर पहुंच जाती है तलाशी मुहिम चलाया जाता है। सो हुण देखना होगा कि आखिर कदों तक भाई अमृतपाल सिंह पुलिस के हाथ लगता उस तों बाद लगातार उन्होंने साथियों की गिरफ्तारियां भी की जा रही जिसनूं लैके सिखां विच इसका भारी रोस पाया जा रहा है।